क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल कचौरी। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मैदा लिया है हमने 2 कप, घी लिया है हमने 2 टेबल स्पून, नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून और हसबे ज़रूरत पानी, ये हमने डो के लिए लिया है। ये चीज़ें हमने डो के लिए ली हैं जो स्टफिंग के लिए हैं। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 कप कद्दूकस की हुई गाजर ली है, 1/2 कप बॉयल किए हुए मटर लिए हैं, 1 छोटी कटी हुई प्याज ली है, 1 अदद आलू लिया जिसे हमने बॉयल कर लिया हुआ है, 1 कटी हुई शिमला मिर्च ली है, 1/2 कप हमने बंद गोभी ली है, ब्लैक पेपर लिया हमने 1 टीस्पून, नमक लिया हमने 1/2 टीस्पून, सोया सॉस लिया हमने 1 टेबल स्पून, चिली सॉस लिए हमने 2 टेबल स्पून, सिरका लिया है 1.5 टीस्पून, ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। सबसे पहले मैदे में डालेंगे हम नमक, मिक्स करेंगे नमक को। अब इसमें डालेंगे घी, घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी जो डो है वो ज़रा सॉफ्ट होगी थोड़ी, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और डो को गूंद लेंगे। तकरीबन 1/2 कप से कम हमारा पानी लगा है इस डो में, तो हम इसे गूंद लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट तक। डो को हमने अच्छा सा सॉफ्ट सा गूंद लिया है, अब इसे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके। उतनी देर हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे, कटी हुई प्याज डाल देंगे, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्लेम को आप लो रखें, साथ इसमें डाल देंगे बंद गोभी कटी हुई, मिक्स करें इसे। मटर डालेंगे, मटर बॉईल किए हुए मैंने, शिमला मिर्च डालेंगे कटी हुई, कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे, उनको मिक्स करें। अब इसमें डालेंगे आलू, आलू को थोड़ा हाथ से मैश कर लेंगे इस तरह। अब इसमें डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस। अब इन्हें मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। लास्ट में डालेंगे हम सिरका, उसे मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम कचौड़ियाँ तैयार करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए जो डो है वो अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसकी कचौड़ियाँ तैयार करेंगे। तो कचौड़ियाँ तैयार करने से पहले हमने जो चीज़ें लेनी हैं लई तैयार करने के लिए, लई तैयार करने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं घी में डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। तो ये लई तैयार है और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ ये हम डस्ट करेंगे लई के ऊपर। तो सबसे पहले हम पेड़े बना लेंगे, जितने मर्जी साइज़ के आप पेड़े बना सकते हैं, छोटे बड़े। तो हमने पेड़े बना लिए। तो ये पेड़े बना लिए हमने, रखते जाएंगे इसे। ये 6 हमने पेड़े बना के रख लिए। अगर हम इसे ऐसे रख देंगे जो पेड़ा है वो ड्राई हो जाएगा, तो हम इसे ढक के रखेंगे। जितना हमने इस्तेमाल करना है वो निकाल लेंगे, 1 हमने इस्तेमाल करना है तो 1 लेंगे हम और इसको बाकी उनको कवर करके रख देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डस्ट करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, और इसको हाथ से इस तरह प्रेस करेंगे। इसको बेल लेंगे।
उसको हमने बेल लिया, ये देखें इसको हमने बेल लिया। अब इस पर हम लई लगाएंगे, अब इससे हम लई लगाएंगे जो मैदे और घी से बनी हुई है, तो थोड़ी सी लई लगाएंगे इस तरह से फैला लें। इससे ये होगा जब आप कचौड़ी खाएंगे तो उसकी लेयर्स निकलेंगी। कुछ मैदे का डस्ट करेंगे थोड़ा सा। अब इसको फोल्ड करेंगे, ये वाली साइड उठाएंगे इसकी पहले, अब इसकी उठाएंगे ये वाली साइड। अब इस पर फिर से लई लगाएंगे, डस्ट करेंगे कुछ मैदे का और इसको फोल्ड करेंगे, ये साइड उठा के इस तरह और ये साइड उठा के इस तरह, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। अब इसे उठा के, ये वाली साइड को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। ये पेड़ा हमने बना लिया, इसी तरह सारे पेड़े बना लेंगे और इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे। सारे पेड़े तैयार हैं, अब हम इनकी स्टफिंग करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले वाला पेड़ा हम उठाएंगे, उसको थोड़ा सा बेल के इसमें स्टफिंग करेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर लें, हल्का सा प्रेस करें हाथ से, इस तरह प्रेस करें। थोड़ा सा इसे बेल लें, ये बेल ली हमने। अब इसमें स्टफिंग करेंगे हम, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया। अब इसे हम बंद करेंगे, एक साइड पकड़ेंगे ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस तरह से बंद करेंगे, फिर ये वाली साइड पकड़ेंगे इस तरह से, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाली, फिर ये साड़ी पकड़ के इस तरह से, साड़ी इस तरह से पकड़ के इसकी पोटली बना लेंगे। इसकी हमने पोटली बना ली, तो इसको दबा देंगे इस तरह से, हाथ से दबा दें। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, इसी तरह बना के रखते जाएंगे, उसके बाद हम साथ में फ्राई करेंगे। सारी कचौड़ियाँ बना के हमने रख ली हैं स्टफिंग करके, अब इन्हें फ्राई करेंगे हम। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद आप मीडियम कर दें इसे, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक कचौड़ी डालेंगे पहले, इसी तरह डालते जाएंगे। इसे फ्राई होने में तकरीबन लगेंगे 8 से 10 मिनट। ये आप देख सकते हैं ये फूल के ऊपर आ गई हैं। अब इनकी हम साइड चेंज करेंगे, अब ऊपर वाली साइड को हम कुक करेंगे। वेजिटेबल कचौड़ी फ्राई हो चुकी है, इसे निकालेंगे। इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसको भी निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुकी हैं और जो बाकी की बची उन्हें भी हम फ्राई करेंगे। वेजिटेबल कचौड़ियाँ तैयार हैं, आप इसे रमज़ान में बनाएं। कीमे की कचौड़ियाँ भी मैं आपको बहुत जल्द बनाना सिखाऊंगी और दाल की कचौड़ियाँ भी। इसी तरह रमज़ान में बहुत सारी कचौड़ियाँ आएंगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।